वन चांस की एक कमाल धमाल और बवाल वीडियो में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको बहुत सारे बेवकूफ के टी शर्ट दिखाने वाले हैं और बनाने वाले बेवकूफ। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टी शर्ट आगे हमारे पास में, फटाफट इसे निकालते हैं। डेफिनेटली आपको बेवकूफ का टैग मिल जाएगा, साथ ही लिखा हुआ 100% मेड इन इंडिया, जो की सबसे प्राउड वाली बात है। साथ ही ये भी प्राउड वाली बात है की दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड। प्राइसिंग आप लिखी हुई 999। वैसे अगर क्वालिटी की बात करें, प्राइस तो हम बाद में जान ही लेंगे। जस्ट लुक एट दिस, एक बहुत खूबसूरत ओवरसाइज्ड वाला मिकी माउस का टी शर्ट है, जहां पर आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है और थोड़ी स्मोकी टाइप की ना इसमें डिजाइनिंग बनाई गई है, जिसे आप काइंड ऑफ टाई टाई बोल सकते हो, लेकिन ये वैसा लगता नहीं है। वहीं अगर फ्रंट में देखोगे तो आपको एक बहुत बड़ा मिकी माउस देखने को मिलेगा, जिसकी कलर की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसे हाथ मोड़ कर ना मिकी बस ऐसे खड़ा है, लेकिन ये बस नहीं है, बल्कि अगर इस टी शर्ट के पीछे देखोगे ना तो एक्चुअल में जो मिकी माउस का बैक लुक आएगा ना, ऐसे करके हाथ मोड़ कर, वो एग्जैक्ट चीज यहाँ पर प्रिंट की गई है। तो ये मिकी माउस का बैक समझ लो और ये मिकी माउस का फ्रंट समझ लो। अमेजिंग डिजाइन है भाई, मैंने कभी नहीं देखा। फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें, डेफिनेटली यहाँ पर आपको 100% कॉटन मिलेगा एंड क्वालिटी अच्छी है। बहुत ज्यादा हैवी फैब्रिक नहीं है ये मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है, आराम से जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट बेवकूफ का टी शर्ट। बेवकूफ का आपको यहाँ पर टैग मिल जाएगा, सेम टैग और प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई भाई 1399 रुपए। लेकिन सारे टी शर्ट की प्राइसिंग की अगर बात करें ना, ऑलमोस्ट सारे अंडर 1000 है और बहुत सारे 500 रुपए के आसपास है। यहाँ पर अगर टी शर्ट की क्वालिटी की बात करें, प्रॉपर एक ओवर साइज बॉक्स से फिट यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है। राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है। इसके स्लीव को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ना कि बस है ही नहीं, इसकी एग्जैक्ट क्या लुक आएगी वो आप बाद में देखना। वैसे टी शर्ट के फ्रंट में आपको एक छोटी सी प्रिंट मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ा ना यो टाइप का किया हुआ है और हाथ में स्नीकर पकड़ा हुआ है। यस, वही अगर इसके बैक में देखोगे तो आपको एक मैसिव प्रिंट देखने को मिलता है, जहां पर ऊपर लिखा हुआ स्नीकर, एक प्रॉपर स्नीकर बना हुआ है और कुछ लोग उसको पकड़ वकड़ के क्या भी कर रहे हैं, और नीचे लिखा हुआ है गैंग। एक प्रॉपर स्नीकर गैंग यहाँ पर क्रिएट किया गया है। देखो ये टी शर्ट ना मुझे देखते साथ ही पसंद आ गया था, स्नीकर बना हुआ है, स्नीकर लिखा हुआ है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें भी आपको 100% कॉटन मिलेगा, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है। अगर आपको अच्छा लगे डेफिनेटली जा सकते हो, प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट की बात करें, यहाँ पर भी आपको बेवकूफ का टैग मिल जाएगा। प्राइसिंग इसकी लिखी हुई है 1199, जो की बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। जस्ट लुक एट दिस, एक बहुत अगेन बहुत ज्यादा खूबसूरत टी शर्ट, जहां पर आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है और ये शॉर्ट स्लीव जो है ना बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो इसे ना एक 3/4 स्लीव टाइप का बोल सकते हो। कलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे व्हाइट है, ग्रे है, थोड़ा सा बेज टाइप का भी कलर है, थोड़ा सा डार्क ग्रे भी है, तो ऑलमोस्ट ना ग्रे के ही शेड्स यहाँ पर रखे हुए हैं और बड़ा ही ना केमो जियोमेट्रिक टाइप का ना पैटर्न यहाँ पर बनाया गया है। सेंटर में देखोगे तो आपको एक इम्बोज्ड पैच या प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, जहां पर हिंदी में जंगली लिखा हुआ है और पीछे में आपको कुछ नहीं मिलता, बस वो सेम पैटर्न मिलता है। ओवरऑल अगर टी शर्ट के लुक की बात करें, डेफिनेटली एक बहुत कूल लुकिंग वाला टी शर्ट है, समर में आप आराम से पहन सकते हो। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दोस्त आपका ना एकदम मस्त टाइप का ले सकते हैं, क्योंकि बीच में जंगली लिखा हुआ है, दूर से बुलाएगा जंगली क्या जंगली। लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जाना चाहो आराम से जा सकते हो। सारे टी शर्ट्स के स्लीव में आपको बेवकूफ का टैग मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा लगता है। कॉटन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा खींचते नहीं है, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो टी शर्ट हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ब्राउन मोका की तरफ से। अभी आप ये बोलोगे, आपने तो कहा था बेवकूफ का हॉल है, यहाँ पर ब्राउन मोका कहाँ से आ गया? तो आपको बता दूं कि बेवकूफ के साइट में अगर आप जाओगे ना, तो बेवकूफ खुद की कंपनी का प्रोडक्ट्स तो बेचते ही हैं, लेकिन उनके पास और भी अदर ब्रांड्स के ना इंटीग्रेशंस है, जहां पर अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ब्राउन मोका के प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी मंगाए हुए हैं, जो कि मंगाए थे अजियो से, और मुझे नहीं पता था कि बेवकूफ ही से सेल करती है। यहाँ पर टी शर्ट की बात करें ना, राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट है। लेफ्ट साइड में आपको एक छोटा सा पॉकेट देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आता है ओवरसाइज फिटिंग। अच्छी बात क्या लगती है मुझे इस टी शर्ट की, टी शर्ट का जो फैब्रिक है ना अच्छा खासा हैवी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है अदर बेवकूफ के टी शर्ट से। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक ब्राउन मोका का ब्राउन कलर का टी शर्ट है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि स्पेशली इनकी फिटिंग्स अमेजिंग होती है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें पीछे देख लो। एंड डेफिनेटली आपके पास एक ब्लैक कलर का बेसिक ओवरसाइज टी शर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि सब में भाई मस्त लगता है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये आप देख लो। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भाई एक नासा वाला टी शर्ट। देखो हमारी हर वीडियो में ये कोशिश रहती है ना कि आपको जल्दी से जल्दी बिना समय बर्बाद किए बेस्ट से बेस्ट रिव्यू दे पाए, ताकि आपका समय भी बचे, साथ ही आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिले। तो अगर आपको ये सारी अप्रोच, ये मेहनत अच्छी लगती है ना, बस आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर फॉलो कर लो। टी शर्ट की अगर बात करें तो ये बेवकूफ वाला टी शर्ट है, जहां पर आपको बेवकूफ का टाइम मिल जाएगा। जस्ट लुक एट दिस, एक बहुत खूबसूरत फुल स्लीव वाला व्हाइट कलर का टी शर्ट है। बहुत सारे लोग समर में डिमांड करते हैं भाई हमें फुल स्लीव पहना, हाथ टैन हो जाता है, एंड आई टोटली अग्री विथ यू। पूरा टी शर्ट देखो व्हाइट कलर का तो है ही, यहाँ पर आपको राउंड नेक तो देखने को मिलेगा ही, सेंटर में आपको बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा नासा का प्रिंट मिल जाएगा, क्योंकि पूरा फैब्रिक से ना मर्ज हो गया, यानी कोई भी आपको ऊपर से प्रिंट
प्रिंटिंग फील नहीं होगी या कुछ इम्बोस्ड जैसा फील नहीं होगा। वही अगर स्लीव्स की बात करें ना, तो लेफ्ट स्लीव आपको इसमें पूरा प्लेन मिलता है, लेकिन राइट स्लीव में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको नासा का लोगो देखने को मिलेगा, अमेरिका का फ्लैग देखने को मिलेगा, उसके नीचे स्पेस ट्रैवलर लिखा हुआ है और नीचे तो भाई एस्ट्रोनॉट का ना एक फेस भी बनाया गया है। बहुत ज्यादा खूबसूरत, सिंपल एंड रिच डिजाइनिंग के साथ आने वाला टी शर्ट है। डेफिनेटली फैब्रिक की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी सब अच्छी है। अगर आपने अभी तक नासा वाला एक टी शर्ट नहीं पहना ना, एक बार पहन के देखो, लिटरली लड़कों पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जचता है। आराम से इस वाले टी शर्ट के लिए भी जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट बेवकूफ का कर करके निकलने वाला टी शर्ट आ गया हमारे पास में। ये भी एक पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट है। पता है, मैं इस वीडियो में ना बहुत सारे एनिमे टी शर्ट भी एड करने वाला था, लेकिन हाल में ना भाई मुझे बहुत खतरनाक स्ट्राइक झेलना पड़ा है चैनल पे बस एनिमे टी शर्ट को डालने के लिए। जापानीज कोई कंपनी थी, उन्होंने भाई स्ट्राइक मार दिया था। तो देखो, बेवकूफ पे बहुत सारे एनिमे टी शर्ट भी मिलते हैं, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये जो डिजाइनिंग है, सेम वही डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग वाला टी शर्ट है जो मैंने इससे पहले आपको स्नीकर गैंग वाला दिखाया था, सेम वही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। शॉर्ट स्लीव बड़ा अमेजिंग टाइप का है, राउंड नेक आपको देखने को मिलता है। सारे राउंड नेक में ना, जैसे स्वेटशर्ट्स में कैसे अलग से कफिंग होती है, कफ होता है, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सारे टी शर्ट्स बता दूं, मैंने एम साइज लिए हैं, बेवकूफ की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। हालांकि जब भी खरीदो साइज चार्ट देखकर ही खरीदना। फ्रंट में आपको एक बहुत बड़ा सा स्पाइडरमैन का लोगो मिल जाएगा जो कि अमेजिंग लग रहा है, स्पेशली ब्लैक के ऊपर में, क्योंकि पूरी व्हाइट कलर की प्रिंटिंग है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। वहीं अगर टी शर्ट के बैक में देखोगे, डेफिनेटली आपको स्पाइडरमैन ऊपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, बीच में स्पाइडरमैन का पूरा हाफ पोर्ट्रेट अगर डिजाइन किया गया है। अमेजिंग लग रहा है क्योंकि प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कहीं से भी आपको ना प्रिंट चीप नहीं फील होगा। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। देखो, बेवकूफ एक ऐसी कंपनी है ना जो अपने टी शर्ट्स पे एक्चुअल में बहुत ज्यादा ध्यान देती है, और इसीलिए आपकी बहुत ज्यादा डिमांड भी रहती है कमेंट सेक्शन में, हमें बेवकूफ के टी शर्ट्स दिखाओ। और एक्चुअल में ना हमें बनाने में भी मजा आता है, चाहे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन ना हो या कुछ भी हो या पैसा ना भी कमा रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है, मजा आता है। नेक्स्ट जो टी शर्ट है, अगर आपको ब्लैक टी शर्ट्स पहनना पसंद है, ओवरसाइज टी शर्ट पहनना पसंद है, लेकिन थोड़ा सा ट्विक एंड ट्विस्ट चाहते हो ना, ये टी शर्ट ट्राई कर सकते हो। जस्ट लुक एट दिस, आई मीन आई लव दिस। मेरे को ना इस तरह के ना टी शर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। राउंड नेक आपको मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरा ब्लैक कलर का टी शर्ट है, कोई डिजाइनिंग कोई प्रिंटिंग नहीं है, लेकिन इसमें क्वालिटी ऐड की गई है स्टिचिंग्स के थ्रू। अगर आप इसके नेक लाइन के जॉइंट पे देखोगे, शोल्डर जॉइंट पे देखोगे, स्लीव के एंड में देखोगे, या फिर टी शर्ट के एकदम बॉटम में देखोगे, टी शर्ट के पूरे बैक के सेंटर में देखोगे ना, तो हर जगह आपको पर्पल कलर के थ्रेड से ना स्टिचिंग देखने को मिलेगी। ये बहुत सारे लोगों को उल्टी टी शर्ट भी लग सकती है, लेकिन उनके सोच पे उल्टी है, क्योंकि ये एक्चुअल में ना जब भी आप पहनोगे बहुत ज्यादा अमेजिंग लुक देगा आपको। पूरा कॉटन का टी शर्ट है, डेफिनेटली फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, नॉट द वेरी बेस्ट, वेरी हाई क्वालिटी कॉटन यूज हुआ है इसमें, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। बेवकूफ आपको अंदर में टैग मिल जाएगा, ये भी हमने एम साइज लिया जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट, यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1199, तो आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। एक बहुत खूबसूरत व्हाइट कलर का टी शर्ट है, यहाँ पर आपको राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, ओवर साइज टी शर्ट है। सेंटर में आपको ना इम्बोज प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पर लॉस्ट रियलिटी करके लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डीप मीनफुल दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। पूरे टी शर्ट में ना आपको पजल प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, यानी जैसे पजल्स आपने अगर कभी बचपन में जोड़े तोड़े होंगे तो आपको पता होगा। अच्छी बात क्या है ना कि इसमें बहुत ज्यादा कलर्स नहीं ऐड किया गया, और पजल्स को ना बस आउटलाइन के थ्रू डिजाइनिंग किया गया है। एक तरफ से ये थोड़ी इंगेज्ड प्रिंटिंग लगती है, क्योंकि सिर्फ आउटलाइन है ना ब्लैक कलर की, तो वो उतना भी ना भारी भारी या मेश टाइप का नहीं फील होता है। बैक में आपको कुछ और नहीं मिलता, बड़ा ही सिंपल सा रखा गया इस टी शर्ट को। अगर आपको इसकी डिजाइनिंग अच्छी लग रही है, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। सारे टी शर्ट्स पे आपको ये वाला छोटू सा क्यूट सा बेवकूफ का लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल टी शर्ट की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, डेफिनेटली इसके लिए भी आप जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इन द लास्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, फटाफट इसे निकालते हैं। एक और ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा खूबसूरत बेवकूफ की तरफ से आने वाला टी शर्ट, जिसकी प्राइसिंग है 1499, लेकिन इन आपको पे नहीं करना, डोंट वरी। अगर इस टी शर्ट की बात करें तो ये एक फुल स्लीव वाला टी शर्ट है, जहां पर आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगा, जहां पर नेक लाइन के नीचे में छोटी सी आपको टेक्सटोग्राफी प्रिंट देखने को मिलेगी रेड कलर की। इम्बोज्ड नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर से आप प्रिंट हल्का हल्का फील कर पाओगे। नीचे में आपको बेवकूफ का छोटा सा टैग मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके स्लीव में देखोगे ना, तो लेफ्ट स्लीव में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वही अगर इसके राइट स्लीव में देखोगे तो आपको बहुत खूबसूरत सा आइकॉनिक टॉम एंड जेरी लिखा हुआ मिल जाएगा। सेम एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट फॉन्ट यहाँ पर यूज किया गया है। भाई पूरा बचपन बीता इसको देख देख कर। पीछे देखोगे तो आपको बहुत बड़ा टॉम एंड जेरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर प्रिंट की क्वालिटी की बात करें ना, तो बहुत अच्छी प्रिंट की क्वालिटी है। हालांकि मुझे जेरी का कलर ना बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगा, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। एंड डेफिनेटली अगर आपको टॉम एंड जेरी से प्यार है, अगर आपको जेरी से प्यार है, टॉम की नटखट हरकतों से प्यार है, बचपन से प्यार है, तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारे टी शर्ट्स के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। जय हिंद। पीस। बूम।